नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पेन ड्राइव को लॉक कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी पेन ड्राइव कहीं गुम हो जाती है तो आप जो है बिल्कुल जो है वो शांत रहें और आपको पता हो कि आपकी पेन ड्राइव कोई और यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि आपने उस पर जो है पासवर्ड लगाया हुआ है। तो उसके बारे में दोस्तों आज बात करेंगे, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है हमें पेन ड्राइव यहाँ पर आपको जो है दिख रही होगी पेन ड्राइव, यहाँ पे हमें जो है राइट क्लिक करना है और नीचे आपको बिट लॉकर ढूंढना है। बिट लॉकर दोस्तों आप कोई भी विंडो यूज़ करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टर्न ऑन बिट लॉकर, तो हमें जो है वो बिट लॉकर पे ओके कर देना है। बिट लॉकर पे ओके करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाएगी पासवर्ड सेट करने की, तो हमें जाना है ये ऊपर वाले ऑप्शन पे, यूज ए पासवर्ड टू अनलॉक दी ड्राइव। यहाँ पे हमें जो है टिक कर लेना है और यहाँ पे पासवर्ड जो है वो सेट कर देना है, कोई भी जो आप लगाना चाहते हैं। दोबारा से री एंटर कर देते हैं और यहां से दोस्तों नेक्स्ट कर देते हैं। अभी दोस्तों उन्होंने पूछा गया कि अगर आपकी जो है पिन आपसे गुम हो जाता है, आपका पासवर्ड आपको नहीं याद रहता है, तो आप कहाँ से रिकवर करेंगे, तो उसकी फाइल जो है वो सेव कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हमें जाना है सेकंड ऑप्शन पे, सेव टू ए फाइल। तो यहाँ पे ओके करने के बाद आपको जो है कहीं भी आप चाहें तो उसको जो है सेव कर सकते हैं। हम फिलहाल के लिए डेस्कटॉप में सेव करेंगे और यहाँ से हम जो है वो सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद उन्होंने पूछा गया कि आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं यूज डिस्क स्पेस को या फिर आप एंटायर ड्राइव को जो है वो इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो हम फिलहाल के लिए फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वो चुनेंगे और यहाँ से नीचे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टार्ट इनक्रिप्टिंग और यहाँ पे हमें जो है वो क्लिक कर देना है और हमारी जो पेन ड्राइव है वो स्टार्ट हो चुकी है इनक्रिप्टिंग होनी। ये देखिए 66% और ये जो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब दोस्तों हमारी जो पेन ड्राइव है ये लॉक हो चुकी है। अब अगर हम इसको जो है निकाल के दोबारा से इंसर्ट करते हैं तो हमारी पेन ड्राइव जो है वो लॉक दिखेगी और अगर हमें इसको ओपन करना है तो हमें जो है अपना पासवर्ड जो है वो लगाना पड़ेगा जो हमने सेट करा है। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। ये देखिए हमने डबल क्लिक करा और यहाँ पर पासवर्ड की ऑप्शन आ गई। हम फिलहाल जो है पासवर्ड फिल कर देते हैं, तो पासवर्ड के बाद हमें अनलॉक पे किया और आप देखेंगे कि हमारी जो पेन ड्राइव है वो ओपन हो गई है। ये देखिए, तो ऐसे दोस्तों आप अपनी पेन ड्राइव को जो है वो लॉक कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉक नहीं लगाना और आप इसको जो है रिमूव करना चाहते हैं तो आपको फिर से इस पर जाना है और राइट क्लिक करना है और नीचे मैनेज बिट लॉकर दिख रहा होगा, मैनेज बिट लॉकर पर जाना है। इस पर जाने के बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पे नीचे ऑप्शन देख रहे हैं टर्न ऑफ बिट लॉकर, तो यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो पेन ड्राइव से पासवर्ड है वो हट जाएगा और ये कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, तो ऐसे दोस्तों आप अपनी पेन ड्राइव को जो है पासवर्ड लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने मेमोरी कार्ड को, एसडी कार्ड को भी कार्ड रीडर में डाल के तो जो है पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि कोई भी आपकी पेन ड्राइव का मिसयूज ना कर सके और आप अपने जो डॉक्यूमेंट, आपकी पिक्चर्स जो हैं उनको सेफली अपनी पेन ड्राइव में रख सके। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।